Hey guys, what is up? Welcome back to Alternate Views. स्वागत है सभी का brand new techometer के episode में. हम दोस्तों आज मैं से बात करूंगा, कुछ ऐसे tips आपको दूंगा, पांच दूंगा, ज्यादा नहीं, पांच टिप्स दूंगा जिससे कि अगर आप ध्यान रखते हैं, जिन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो हेल्थ है, जो आपका सेहत है, वो फोन से खराब बिल्कुल भी नहीं होगा. बोलते हैं कि खराब हो जाता है, एक्चुअली में सही बात है कि अगर आप इन कुछ चीजों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो जो आपका सेहत है वो खराब हो सकता है फोन की वजह से. तो इन्हीं टिप्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो सेहत है वो सही रहेगा. तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो. तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले टिप की तरह. सबसे पहला टिप ये है दोस्तों कि फोन में आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें रीडिंग मोड, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लू लाइट फिल्टर, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रू टोन डिस्प्ले, या फिर आप बोल सकते हो नाइट मोड, ये सभी जो एक मोड है, इन सभी का मीनिंग एक ही है, जो है ब्लू लाइट फिल्टर, मतलब जो आपका ब्लू लाइट आ रहा है फोन से उसको फिल्टर कर देता है. थोड़ा सा उसका जो आपका जो ब्राइट, मतलब जो स्क्रीन का जो टोन है, डिस्प्ले टोन है, वो चेंज हो जाता है, थोड़ा येलोइश हो जाता है. उससे होता यह है कि आपके फोन से जो ब्लू लाइट जो आ रहा है वो नहीं आता है, वो फिल्टर हो जाता है और वो येलो लाइट आता है. तो इससे होता यह है कि आपके मतलब आंखों में जो है स्ट्रेन कम पड़ता है और आपको आपकी नींद में कोई भी इतना दिक्कत नहीं आता है. आप ये माने या ना माने कि अगर आप ब्लू लाइट फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप जो ब्लू लाइट आ रहा है ना उससे आपके स्लीप में या फिर आपकी नींद में जो है फर्क पड़ता है. अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा हो तो आप नोटिस जरूर कीजिएगा कि आपकी नींद में फर्क पड़ता है. दूसरा टिप यहाँ पे दोस्तों, दूसरा टिप ये है कि रात में जब भी आप सोएं, जब भी आप सोते हैं तो आप अपने फोन को जितना हो सके अपने से दूर रखें. इससे होता यह है कि देखिए फोन में रेडिएशन आना जाना करते हैं रहते हैं, रेडिएशन अंदर बाहर करता रहता है, तो जिससे कि आपके हेल्थ के ऊपर वो रेडिएशन जो है इफेक्ट डालता है. तो इससे बचने के लिए जो है आप अपने फोन को जितना हो सके आपसे दूर रखें. अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं मेस वेस में रहते हैं, सभी मतलब कुछ बंदों के साथ जो रहते हैं, तो फिर उसमें जो है आप अपने फोन को अपने पास रखें, लेकिन हाँ फ्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ कर दीजिए फोन को, जिससे कि जो रेडिएशन है वो आपके आसपास ना घूम पाए और आपके फोन में ना आ पाए और आपके हेल्थ को इफेक्ट ना करें. अब चलते दोस्तों तीसरे पॉइंट पे. तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हम लोग जब फोन पे बात करते हैं, लगभग फोन में जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप घूमते रहते हैं, मतलब कि इधर से उधर फोन पे बात करते करते इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, या फिर कभी बैठ गए, कभी उठ गए, इधर उधर जा रहे हैं बस फोन में बात करते करते. तो ये चीज ना करें, आप हमेशा एक ही जगह में कहीं पे थोड़ा सा बैठ जाए, स्थिर होकर आराम से आप बात कीजिए, एक ही जगह में स्थिर रहकर आप बात कीजिए. अभी जब फोन के बारे में बात फोन में बात करने के बारे में बात कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ पे एक चौथा टिप मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि इस चीज में कि जब भी आप फोन में बात करें तो आप हमेशा थोड़ा सा ट्राई करें कि ईयरफोन्स का इस्तेमाल ना करें. ईयरफोन्स का इस्तेमाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ना उससे जो है आपके फोन में जितने भी आपके रेडिएशन आते हैं ना वो आपके फोन में आते हैं, आपके कानों तक, मतलब आप अगर आप फोन को अपने कान में लगा के रखते हो ना तो वो रेडिएशन जो है आपके बॉडी के पास घूमते रहते हैं. लेकिन अगर आप ईयरफोन यूज करते हो तो फोन दूर में कहीं पर रखा हुआ है तो आप अपने ईयरफोन में अगर आप बात कर रहे हो तो वो रेडिएशन जो है आपके बॉडी से भी कुछ दूरी पे है, दूरी पे रहेगा. तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट और आखिरी पॉइंट जो है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमेशा जो ईयरफोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी रेप्यूटेड ब्रांड का इस्तेमाल कीजिए. कभी भी किसी भी लोकल या फिर किसी भी जेनेरिक ईयरफोन आप इस्तेमाल ना करें, इससे जो है आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हाँ इससे आपके फोन में भी इफेक्ट पड़ता है. बहुत सारी बार कुछ ऐसे होता है, कभी कई बार ऐसे केसेस होते हैं, कई बार जो है फोन एक्सप्लोड भी कर जाता है इन्हीं वायर्स के उल्टे सीधे वजह से. हाँ कई कई बार तो चार्जर कोई जो है नॉर्मल जेनेरिक यूज कर लेता है और उसकी वजह से जो है फोन में ब्लास्ट ब्लूस्ट एक्सप्लोजन हो जाता है. तो प्लीज इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल ही सही रहेगा. फिर भी रिस्क तो बना रहता है लेकिन जितना हो सके उतना कम करना हमारा काम है. तो आप इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो फोन चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ा एनहेंस हो जाएगा, प्लस आपका जो हेल्थ है वो भी एकदम सही रहेगा. दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो काम की लगी तो लाइक जरूर करते, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करते. इसके साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल्टरनेट व्हील्स. जय हिंद.